आपके चिल्लाने से आपकी गलती छुप नहीं जाएगी। भाभी के साथ रहने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है, लेकिन इन्हें धोखा देकर आपने जो अलग होने का रास्ता निकाला है वो कोई रास्ता नहीं बल्कि एक घिनौना और बेहयाई भरा कदम है। ठीक है, अगर आपको भाभी से सचमुच कोई तकलीफ थी तो फिर आपको पहले इनसे बात करनी चाहिए थी ना, और अगर फिर भी रास्ता नहीं निकलता तो फिर घर वालों से बात करते। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सबसे छुपाकर कायरों की तरह इन्हें धोखा देकर तलाक ले रहे हैं? शादी दो लोगों का रिश्ता होता है, और अगर शादी के लिए दो लोगों की रजामंदी चाहिए तो फिर उनके अलग होने का फैसला भी कोई एक इंसान क्यों करे? ये बात हम समझ सकते हैं कि आप भाभी से प्यार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इन्हें धोखा देकर तलाक के कागज को जमीन के कागज बताकर इनका अंगूठा छपवा ले। एक पत्नी अपने पति को माफ कर भी दे अगर वो उससे अलग होना चाहता है और उससे तलाक लेना चाहता है, लेकिन एक पत्नी कभी अपने पति को माफ नहीं कर सकती अगर वो उससे धोखा देकर बेवकूफ बनाकर उससे दूर हो जाए। एक पत्नी को ये जानने का पूरा हक होता है कि उसका पति उससे क्यों तलाक लेना चाहता है। या जिसके लिए भाभी ने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए, अपना घर छोड़ा, एक प्यारी सी बेटी दी, आप उसी को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा भैया? आप भाभी से तलाक लेना क्यों चाहते हैं, और वो भी इतने घटिया तरीके से? भैया आपको इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि आप ये सवालों के जवाब दिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है ना, तो फिर उसके लिए ये रहा एक औरत का जवाब। आप एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, भाभी अनपढ़ और गवार थी, आपके सामने ये कुछ भी नहीं थी, लेकिन आपकी इस हरकत से आप इतना नीचे गिर चुके हैं कि भाभी के बराबर आने के लिए अगर आप जिंदगी भर भी प्रायश्चित करेंगे ना तो भी शायद कम होगा। जॉन कुछ भी हुआ ना, वो एकदम नहीं होना चाहिए था। बहुत चिंता हो रही है हमको, यही बात का डर लग रहा है कि बाबा जब घर लौट के आएगा ना तो फिर से बबाला खड़ा कर देगा। सासू जी, ये घर की लीला तो हमें समझ में नहीं आ रही। सही घर में है तब से लड़ाई झगड़ा बबाला सब मचा हुआ है। एक दिन भी ना अम्मा कसम सुख शांति से नहीं गुजरा है घर में। सुख शांति कल यहाँ हमारे बबुआ की जिंदगी में भूचाल आवा है, तुम सुख शांति ढूंढ रही हो? ए, 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 की बहुरिया, अगर तुमका बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो यहाँ से निकल लो, जाओ अपने मायके नैहरे में सुख शांति से रहो, या नहीं समझो? बहुत साफ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है यार, ये लो मतलब तुम तो यार बुरा मान गए। काहे? तेरे कहने का मतलब ये है कि जो रोज रोज घर में बवाला हो रहा है ना, ये बाबा जो फुकट मचा के रखा है अच्छी बात नहीं है। तुम साले कम उत्पात मचाए रहते हो। अच्छा ये सब बातें बंद करो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जब बाबा आई
तो कोई भी कौनो बात नहीं करी। वो सब तो ठीक है अम्मा, बाकी वो लड़की बहुत सुंदर और गुनी है, कैसे भी करके बाबा के ब्याह अगर उससे करवा देते ना तो हमारे बाबा की जिंदगी सुधर जाती। ए जगुराइन, तुम चिंता ना करो, हम है ना, अरे बबुआ की शादी जरूर होगी और तुमको इतना बता दें, ये किसना बहू, हाँ किसना बहू ना बाबा को राजी करेगी, यही किसना बहू जौन है ना हमारे बबुआ को शादी के लिए तैयार करेगी, तुम देखा जाओ। हम हैं ठाकुर। सज्जन सिंह।